हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकुर भारद्वाज एंड नाउ आई एम टेलिंग अबाउट यू मल्टीमीडिया। अगर हम बात करते हैं मल्टीमीडिया की, तो बेसिकली मल्टीमीडिया है क्या? अगर मेरे पास आज एक मोबाइल है तो वो एक मल्टीमीडिया फ़ोन है। क्यों? ऑब्वियसली बात है कि उसे मल्टीमीडिया कहते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स का मिक्सचर है। लेकिन क्या मैं नोकिया 1100 के फ़ोन को मल्टीमीडिया कहता था? नहीं। तो इसीलिए मल्टीमीडिया को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ये मल्टीमीडिया है क्या। अगर हम एक डेफिनेशन में डिफाइन करें तो मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन, वीडियो, जो कि दैट इज़ डिलीवर्ड इंटरेक्टिवली टू द यूज़र बाय इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटली मैनिपुलेटेड मीन्स। इसका मतलब ये है कि मल्टीमीडिया एक वर्ड नहीं, बेसिकली ये है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, साउंड है, एनिमेशन है और वीडियो है। इन सब एलिमेंट्स से मिलकर अगर एक वर्ड मल्टीमीडिया बनता है तो वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली उसे साउंड इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली उसे बेसिकली प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो मल्टीमीडिया में डिफरेंट एलिमेंट्स तो बेसिकली होते हैं। अब इन एलिमेंट्स को हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। लाइक एज टेक्स्ट है, लाइक एज ग्राफिक्स है, ऑडियो, एनिमेशन, वीडियो, ये सारे हमारे मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स हैं। नॉर्मली टेक्स्ट क्या है? अ ब्रॉड टर्म फॉर समथिंग दैट कंटेन्स वर्ड टू एक्सप्रेस समथिंग। टेक्स्ट विच इज़ रिप्रेजेंट, जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट्स या पंचुएशंस, ये सारी चीज़ें हमारे टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। टेक्स्ट है क्या? टेक्स्ट इज़ द मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया। सबसे पहला एलिमेंट टेक्स्ट ही है। अगर हम किसी टेक्स्ट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ लाइक एज गुड चॉइस ऑफ वर्ड कन्वे द इंटेंडेड मैसेज टू द यूज़र। यूज़र को बहुत अच्छे से समझाना है तो हमें अपने एक तरह से टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना होगा। अब लाइक एज अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं? एक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एक वेबसाइट का, flashvortex.com। इस flashvortex.com में लाइक एज है क्या? अगर आप एक स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं हम लोग, तो डायनेमिक वेबसाइट में मेन्यूज़ होते हैं, जैसे कि नीचे लिखा भी है, यूज्ड इन कंटेंट्स, मेन्यूज़, नेविगेशनल बटन एक्सेट्रा। अगर एक डायनेमिक वेबसाइट में मैं ये सारे कंटेंट्स को लेता हूँ जो कि स्टैटिकली हैं, तो यूज़र अटेंशन क्रिएट नहीं करता बहुत ज़्यादा। एक डायनेमिकली वेबसाइट तो बन जाती है लेकिन यूज़र को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। लाइक एज उसमें फ्लैश नहीं है, लाइक एज उसमें एनिमेशन नहीं है, और अगर हैं भी तो बहुत ही हैवी साइजेस के हैं। तो मैंने इस वेबसाइट पर देखा कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के आप बटन्स यूज़ कर सकते हैं, डायनेमिकली बने बनाए बटन होते हैं, एडिटिंग करनी होती है, सेव करना होता है कोड को, लाइक एज आपके उसके फ्लैश कोड को आप सेव कर सकते हैं, लाइक एज उसके फ्लैश को सेव कर सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, टेक्स्ट के सॉफ्टवेयर भी, एडिटिंग टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट 3D सॉफ्टवेयर, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। सो बेसिकली अगर हमें समझना है तो टेक्स्ट क्या है, तो टेक्स्ट इज अ टर्म विच इज रिप्रेजेंट टू अल्फाबेट्स, नंबर एक्सेट्रा। सेकेंड वन इज ऑडियो। अगर ऑडियो है क्या? अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये भी एक ऑडियो ही है, लेकिन ऑडियो और डिजिटल ऑडियो में भी डिफरेंस है। ऑडियो है क्या? ऑडियो इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन एज परसीव्ड बाय द सेंस ऑफ हियरिंग। जो मैं सुन रहा हूँ, जो एक पल्सेस की फॉर्म में या एक वाइब्रेशन की फॉर्म में एयर में प्रोपगेट कर रही है, वो एक ऑडियो है। मल्टीमीडिया में ऑडियो जो है वो किन की फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, साउंड इफेक्ट्स है ना, म्यूजिकल स्कोर। लाइक एज अगर मैं एक गिटार लेके बजा रहा हूँ तो वो भी एक म्यूज़िक है, लेकिन उस म्यूज़िक को मैं एक नॉर्मल डिजिटल ऑडियो नहीं कह सकता। लाइक एज एग्जांपल उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? मिडी साउंड, लाइक एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस का कैटेगरी। बहुत सारे मिडी साउंड्स होते हैं, मिडी साउंड और डिजिटल ऑडियो में भी डिफरेंस होते हैं। इस तरह के नॉर्मल जो ऑडियो साउंड्स होते हैं, लाइक एज MP3 है, रेडियो फॉर्मेट्स हैं, वेव है, वेव एक अच्छा ऐसा ओरिजिनल ऑडियो फॉर्मेट होता है जो कि बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी पे रिकॉर्ड किया जाता है। ऑडियो को जब भी हम किसी भी चीज़ में इंसर्ट करते हैं तो बेसिकली उसके फ्रेम्स पे डिपेंड करते हैं। लाइक एग्जांपल जैसे मैं अभी बताया था कि अगर एक मूवी मैं बना रहा हूँ, तो मूवी में अगर मैं 15 मिनट की मूवी बनाता हूँ, तो 15 मिनट की मूवी में मैं फ्रेम्स सिलेक्ट कर करके अपने ऑडियो को सिंथेसाइज कर सकता हूँ। एक सिंक्रोनाइज वे में अपने ऑडियो को सिलेक्ट कर सकता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑडियो आपको अपनी पूरी मूवी में प्ले करना हो। लाइक एज अगर आपको एक मूवी में 3 ऑडियो प्ले करने हैं, तो आप उसे सिंक्रोनाइज कर करके फ्रेम्स के अकॉर्डिंग आप उसे सेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द ऑडियो। बहुत सारे ऑडियो के फॉर्मेट्स होते हैं। अगर हम डीप में जाएँ तो ऑडियो की जो सिंक्रोनाइजेशन होते हैं, ऑडियो के जो कंप्रेशन होते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम और डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक्स के थ्रू ही होते हैं। थर्ड वन इज़ एनिमेशन। व्हाट इज़ एनिमेशन? एनिमेशन इज़ मूवमेंट ऑफ इमेजेस। अगर मैं किसी इमेज पर एक छोटे से एक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक इल्यूजन लगाता हूँ, तो वो एक एनिमेशन है। लाइक एज द इल्यूजन ऑफ मोशन क्रिएटेड बाय द कंसेक्यूटिव डिस्प्ले ऑफ इमेजेस ऑफ स्टैटिक एलिमेंट्स। लाइक एग्जांपल अगर एक स्टिक एलिमेंट, स्टिक मैन का एक एग्जांपल लेते हैं, तो स्टिक मैन में क्या है कि उसके जॉइंट्स पे जितने भी हम एक तरह से एनिमेशन करेंगे, लाइक एज जो प्रिंसिपल्स भी होते हैं एनिमेशन के, वो हैं क्या?
जैसे काइनेमेटिक्स हैं, मॉर्फिंग है, ट्विनिंग है, तो देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन विच आर एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टैटिक एलिमेंट्स. मल्टीमीडिया एनिमेशन यूज फॉर फर्दर इन्हेंसमेंट फॉर द यूजर टू फर्दर एंड कन्वे टू इट. अगर यूज, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर आप एक छोटा सा फ्लैश भी अपनी वेबसाइट में लाइक लॉगिन के पेजेस में अगर एक छोटा सा एक फ्लैश लगाते हैं तो वो भी एक अट्रैक्टिव वे होता है. लाइक अगर आप एक नॉर्मल यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर डाल रहे हैं तो वो एक है तरीका अच्छा, लेकिन स्टैटिक है. अगर उस पर ही हम एक फ्लैश लगा देते हैं एनिमेशन वे में तो वो एक बहुत अच्छा फील्ड है. तो बहुत सारे फील्ड्स हैं एनिमेशन में, 2D फील्ड्स हैं, 3D फील्ड्स हैं, आज की डेट में एनिमेशन 7D, 10D, ये सब आप देख ही चुके हैं. तो ये एक एनिमेशन अपने आप में एक पर्टिकुलर फील्ड्स है जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं एनिमेशन में, लाइक एज माया सॉफ्टवेयर है, फ्लैश 3D है, 3D टेक्स्ट है, और आपके मैक्रोमीडिया फ्लैश 8 है जिसमें हम छोटे बेसिक लेवल पे अपने एक एनिमेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो वीडियो, वीडियो एक अनदर एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया. अगर मैं वीडियो की बात करता हूँ तो नॉर्मली डिजिटल वीडियो और वीडियो में भी डिफरेंस है. वीडियो इज़ अ टेक्नोलॉजी ऑफ कैप्चरिंग, रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिटिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग मूविंग पिक्चर्स. बहुत सारे वीडियो स्टैंडर्ड्स भी हैं आज की डेट में. हम जितनी भी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी एक वीडियो ही है, लेकिन वीडियो को फ्रेम्स में सिंक्रोनाइज करके उसे प्ले करना वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है. वीडियो इज़ मोर टुवर्ड्स फोटो रियलिस्टिक इमेज सीक्वेंस लाइव रिकॉर्डिंग एज इन कंपेरिजन टू एनिमेशन. वीडियो हम एक एनिमेशन की तरह प्ले नहीं कर सकते हैं, वीडियो को एक सिंक्रोनाइज फ्रेम में ही प्ले कर सकते हैं. वीडियो ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस, सो प्लान केयरफुली बिफोर यू आर गोइंग टू यूज़ इट. ऑब्वियसली बात है, अगर मैं एक 15-20 मिनट की मूवी बनाता हूँ तो उसमें अगर मैं 15-20 वीडियो इंसर्ट कर दे रहा हूँ तो वो मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है. मुझे अपने वीडियोज़ को बिल्कुल एक सिंक्रोनाइज वे में, एक प्लान वे में अपने आप को इंसर्ट करना पड़ेगा वीडियो को. जिस हिसाब से आप आपके वीडियो हों, उसके वीडियो के फॉर्मेट्स हों, आप उसको प्री प्लान कर सकते हैं. वीडियो के डिफरेंट फॉर्मेट्स भी होते हैं, MPEG फॉर्मेट्स हैं, लाइक आपके MPEG मोशन जिसकी फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, और इसमें डिफरेंट वीडियो के स्टैंडर्ड्स भी हैं जैसे NTSC है, नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी है, CCAM है, सिक्वेंशियल कलर मेमोरी है, PAL है, फेज अल्टरनेट लाइन, ये सब वीडियो के स्टैंडर्ड कमेटीज़ हैं जो कि अदर अदर कंट्रीज़ में कहीं कहीं फॉलो होते हैं, जैसे लाइक एशियन में, अफ्रीकन में, यूनियन अदर अदर. एंड वाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीमीडिया. अगर आज की डेट में बात करता हूँ बहुत सारे फील्ड्स हैं. कौन सा फील्ड है जहाँ पे मल्टीमीडिया का यूज़ नहीं है? हर फील्ड में मल्टीमीडिया का रोल है. बिजनेस लाइक सेल्स, मार्केटिंग, प्रेजेंटेशन, ट्रेड शो प्रोडक्शन, आज की लॉन्चिंग, किसी भी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग बिना एक वीडियो ट्यूटोरियल या वीडियो लॉन्चिंग के थ्रू अधूरी होती है. एजुकेशन ऑब्वियसली बात है, सिमुलेशन, ई लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग या वर्चुअल क्लासरूम या एक तरह से आपकी ई क्लासरूम्स, ये एक एजुकेशन का बहुत अच्छा रोल है मल्टीमीडिया में. लाइक PDF की फाइल से पढ़ना, लाइक डाउनलोड्स, लाइक YouTube से वीडियो डाउनलोड करके पढ़ना, तो ये एक बेस्ट वे है एजुकेशन. एंटरटेनमेंट लाइक हम लोग गेमिंग इंडस्ट्री जानते हैं, गेमिंग इंडस्ट्री में जितने भी आपके गेम्स हैं वो बेसिकली मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही बनते हैं. लाइक ऑथरिंग टूल्स, कुछ ऑथरिंग टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से बनाए जाते हैं. लाइक गेम्स, किस तरह के गेम्स हैं, जैसे आप ई स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से जानते होंगे जिसमें FIFA है, NFS है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स जिनकी टेस्टिंग होती है, जिनके टेक्स्ट पे टेस्टिंग होती है. लाइक एग्जाम्पल मैं एक कंपनी बताता हूँ आपको, नोएडा में कंपनी है एनर्जाइजर, बेसिकली ई स्पोर्ट्स गेम्स की टेस्टिंग पे भी करती है काम. तो बेसिकली वहाँ पर बहुत सारे ऐसे एंटरटेनमेंट या बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल रोल मल्टीमीडिया प्ले करता है. मूवीज़, 3D मूवीज़, 2D मूवीज़, आप लोग रोज़ नाम सुन ही रहे हैं, यहाँ तक कि 7D मूवीज़ मार्केट में है जिस पर एक मल्टीमीडिया का बहुत अच्छा इफेक्ट्स है. मल्टीमीडिया के बहुत सारे रोल हैं इसमें, लाइक 7D में 7 इफेक्ट्स हैं, अरोमा इफेक्ट, बबल इफेक्ट, तो ये भी एक एंटरटेनमेंट का अपने आप में रोल है. वीडियो ऑन डिमांड ऑब्वियसली बात ही एक अदर एग्जांपल है एक इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीमीडिया का. तो मैं लास्ट में ये कह सकता हूँ कि मल्टीमीडिया का ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जहाँ पर मल्टीमीडिया का रोल नहीं है. बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे फॉर्मेट्स, बहुत सारे उसके सपोर्टिंग फॉर्मेट जो कि इंपॉर्टेंस एक तरह से प्ले करते हैं रोल को मल्टीमीडिया में. ओके, थैंक यू वेरी मच.